नमस्ते, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप डॉट कॉम। भारत के कुछ कोनों में लोग कहते हैं कि मछली खाने के बाद दूध पीने से ल्यूकोडर्मा रोग हो जाता है, माने जो शरीर है इसमें सफ़ेद दाग बन जाते हैं। दुनिया की कुछ और जगहों पर भी मछली और दूध के योग के यही दुष्परिणाम गिनाए जाते रहे हैं। तो आइए पहले हम आपको बताते हैं कि ल्यूकोडर्मा जो है ये होता क्या है। हिंदी में इसका अर्थ तो हम जानते ही हैं, शरीर में सफ़ेद दाग का बन जाना। लेकिन शरीर में सफ़ेद दाग बनता कैसे? जब शरीर को कोई विशेष रंग देने वाली कोशिकाएं किसी जगह पर मर जाती हैं तो वहां की त्वचा का रंग जो है वो चला जाता है और वो सफ़ेद हो जाती है। क्या मछली और दूध एक साथ खाने से ऐसा होता है? नहीं, बहुत ही सिंपल उत्तर है। इसमें किसी डॉक्टर या विशेषज्ञ की कोई और राय नहीं है। भारत में न केवल बंगाल बल्कि पूरे दुनिया में तरह तरह के मछली और दूध के कॉम्बिनेशन पाए और खाए जाते रहे हैं। कई जगहों पर मछली को मेरिनेट करने के लिए दूध और दही और अन्य मसालों का प्रयोग किया जाता है। तो कई जगहों पर मछली अगर खाने में पहला या दूसरा कोर्स है तो दूध अंतिम कोर्स होता है। और इन जगहों में से किसी भी जगह में ल्यूकोडर्मा के सामान्य से अधिक मामले नहीं पाए गए हैं। कुछ एक आयुर्वेद के विशेषज्ञ बेशक दोनों के मेल को ल्यूकोडर्मा का प्रमुख कारण मानते हैं, लेकिन इसका ना तो कोई वैज्ञानिक आधार ही स्थापित हो पाया है और ना ही किसी सर्वे में ऐसा देखने में आया है। तो क्या मछली और दूध के मेल से कुछ अन्य रोग संभव हैं? इस मसले पर बेशक वैज्ञानिक हाँ और नहीं में बटे हुए हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर वोट जो है वो नहीं को मिलते हैं। जहाँ ज़्यादातर वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि आपको मछली और दूध से अलग अलग किसी प्रकार की कोई एलर्जी नहीं है तो इनके मेल से भी कुछ होने की संभावना नहीं है, वहीं कुछ डॉक्टर्स और डाइटिशियंस मानते हैं कि कोई बड़ा प्रभाव बेशक नहीं होगा, लेकिन हाँ दोनों को एक साथ खा लिया जाए तो पाचन तंत्र को ओवर टाइम करना पड़ेगा, मतलब बदहजमी हो जाएगी, देर में हजम होगा भाई। वैसे मछली में प्रोटीन की काफ़ी मात्रा होती है और डाइट का एक गोल्डन रूल ये है कि दूध के साथ ज़्यादा प्रोटीन वाली कोई भी चीज़ एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बनाती, और इसका कारण केवल और केवल पचाने में लगने वाली बहुत मेहनत है बस। तो अच्छा, अंत में ये बात भी जान लीजिए कि ये ल्यूकोडर्मा छूत की बीमारी नहीं है और कोई भी ल्यूकोडर्मा का शिकार इंसान उतना ही सामान्य है जितना हम और आप। विनी हार्लो से लेकर संतोष गंगवार जैसे कितने ही सफल लोगों ने कभी इस शॉर्टकमिंग को अपने और सफलता के बीच में नहीं आने दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ में थैंक यू बोलिएगा दर्पण को, उन्होंने ये सारी रिसर्च की थी। हमारी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। थैंक यू।